सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेकराम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकराम दिवाली झूमर लाइटिंग झूमर। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर की कोट, साथ में 1 राउंड शेप की रिंग 2 इंच की, 2 राउंड शेप की रिंग 7 इंच की एंड 1 राउंड शेप की रिंग 10 इंच की, और साथ में बीट्स, पेंस, लाइटर एंड सीजर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने पहले स्टार्टिंग में 2 इंच की राउंड शेप की एक रिंग ली है, और अब हम इसमें जो है 12 ग्रीन कलर की कोट्स को अटैच करेंगे जिनकी साइज है 3 मीटर। तो 12 हरी कलर की कोट 3 मीटर की कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है। फिर हम देंगे एक एक्स्ट्रा की, एक पिंक कलर की कोट लेंगे, 1 पिंक कलर की कोट, और इसकी भी साइज़ है 1 मीटर। 1 मीटर की इसकी साइज़ रहेंगी। इसे कुछ ऐसे नीचे से रखेंगे नीचे की तरफ। फिर हम जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इसे घुमाते जाएंगे और सभी कोट को टाइटली अटैच करते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड वाली कोट को निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को निकालेंगे राइट हैंड साइड की तरफ से। ऐसे कंटिन्यूसली करते जाएंगे। तब जाकर 2 बार ऐसे करने पर एक सिंपल बेसिक नोट बनती है, और ऐसे करते हुए हम कम से कम 4 to 5 जो सिंपल बेसिक नोट रहती है वो हम इसमें बना देंगे। फिर इसके बाद इसके जो कोड है उसे कट कर देंगे। कट करने के बाद लाइटर की हेल्प से कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। अब देखिए, अब हम लेंगे 4 कोड। तो ये देखिए, हमने ली है 4 कोड। अब 4 कोड के बेस पर हम बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट, जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया वैसे बनाएंगे। बस इसमें जो है सेंटर के 2 कोड को ऐसे रखेंगे, उससे कहीं से नहीं निकालेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड है उससे ही घुमाते जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की तरफ से, और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। बस ऐसे ही करते हुए कंटिन्यूसली हमको जो है सिंपल बेसिक नोट है वो बनाते जाना है। तो देखिए, अभी हमने 4 सिंपल बेसिक नोट जो है वो बना दी है। फिर हम लेंगे सेंटर की 2 कोड, उसमें अटैच करेंगे बीट्स को। तो ये हमने लिए 3 बीट्स लिए, एक रेड, फिर ब्लू और फिर रेड, करते हुए ये सीक्वेंस हमने बीट्स को इसमें लिया है। और ध्यान रखिएगा, हमको जितने नोट अभी हम बना रहे हैं उतने ही नोट हम बाकी के जो पार्ट्स अभी बन रहे वाले हैं बाजू में भी, तो उसमें भी हमको इतने ही नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है कि एक साइड 4 एक साइड 5 नोट बन रही है, ऐसा नहीं करना है। कभी हमने 4 बनी है तो दूसरे साइड भी 4 ही बनाना है, ताकि जो बीट्स है वो एक सिक्वेंस से हमको दिखे अरेंज होते हुए। तो ऐसा हमको दिखाने के लिए एक ही सिक्वेंस से जितने नोट्स बन रहे हैं उतने ही नोट्स हम अब दूसरे साइड में भी बना देंगे। तो देखिए, एक बीट्स अटैच करा, फिर एक सिंपल बेसिक नोट बनाए, फिर एक और बीट से ब्लू वाला, फिर सेंटर में अटैच कराए, फिर एक और नोट, और उसके बाद फिर से रेड कलर के बीट्स को अटैच कराए, फिर दोबारा वैसे हम फिर नीचे सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमने सभी पार्ट्स जो है वैसे ही बना दिए हैं, इतने 4 4 कोड में डिवाइड करते हुए हमने इतनी ही पूरी डिज़ाइन जो है कम्प्लीट कर ली है। अब हम अटैच करेंगे 4 इंच की राउंड शेप की एक रिंग को, 4 इंच की गोल शेप की एक रिंग अटैच करेंगे, और इसे जो है हम रखेंगे कोट के ऊपर। फिर नीचे से एक कोट को लेंगे, और ये जो ऊपर वाली रिंग है इसके ऊपर से घुमाएंगे 2 बार। तो ये देखिए, हमने घुमाया पहली बार और फिर घुमाया हमने दूसरी बार। ऐसे करते हुए हम हर एक एक कोट को जो है 2 2 बार घुमाते जाएंगे रिंग के ऊपर से, तब जाकर जो है सभी कोट इस रिंग में अटैच हो पाएंगे। अब जो आप ये देख रहे हैं हर एक एक गेप,
तो एक गेप में हर एक एक गेप में हमको एक एक कोड ही अटैच करनी है, और ऐसे करते हुए हर एक गेप में एक कोड अटैच होंगी तो टोटल जो है 6 कोड अटैच हो जाएंगी। 2 मीटर की इनकी साइज़ रहेंगी, तो 2 मीटर की 6 कोड अटैच करेंगे। हर एक एक गेप, वन वन गेप में एक एक कोड, वन वन कोड ही अटैच होंगी। और देखिए, जैसे हम कोड को अटैच कर देंगे, इससे दोनों ही साइड से एक एक बार और भी निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ से एक एक बार और घुमा देंगे। तो ये देखिए, हमने घुमा दिया है, और हर गेप में से जो है कोड को भी एक कोड को अटैच कर दिया है। और जिस तरीके से आप ये डिज़ाइन और बीट्स जैसे हमने अटैच करे, बस वही डिज़ाइन अब हम यहाँ पर भी बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए जो है हम 2 कोड ही लेंगे, सिर्फ 2 कोड के बेस पर ये पूरी जो नोड वाली डिज़ाइन है वो बनेंगी। तो बस हमको क्या करना है, हर एक एक आप देख सकते हैं, दोनों ही कोड हमने ये जो दोनों ही कोड है उसको हमने एक एक हाथ में रख लिया है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड की तरह। तो बस पहले राइट हैंड साइड वाली कोड जो है वो घुमाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली, फिर राइट, फिर लेफ्ट करते हुए ऐसे वन बाय वन जो है कोड को एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे। और फिर हम अटैच करेंगे, जैसे 3 टू 4 नोड बन जाएंगे हमारी। फिर उसके बाद एक कोड में जो कि है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक कोड रहेंगी, वहाँ पर एक ही कोड में एक ही बीट्स को ऐसे अटैच करके फिर दोबारा वही नोड को बना देंगे। तो बहुत ही सिंपल नोड है ये, इसलिए बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो देखिए, फिर से हमने जो है 3 नोड बना ली है, और फिर हमने राइट हैंड साइड की जो कोड थी वहाँ पर हमने एक रेड कलर के बीट्स को अटैच करा है, फिर दोबारा फिर से वही नोड को बना लेंगे। तो येलो और रेड कलर के बीट्स जो है वो हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए, बस हमको एक ही सिक्वेंस लेना है, जितने नोड हम यहाँ पर बना रहे हैं उतने ही नोड हम दूसरी साइड पर बनाएंगे, ताकि बीट्स जो है वो एक सिक्वेंस से दिख पाए। तो इसीलिए जो है नोड का हमको बिल्कुल ध्यान देना है, आगे पीछे बीट्स को अटैच नहीं करना है, एक सिक्वेंस बन के उस हिसाब से हम नोड को बनाएंगे। और अब हम अटैच करेंगे 7 इंच की राउंड शेप की एक रिंग को। तो देखिए, रिंग को रखेंगे ऊपर, कोड को रखेंगे नीचे, फिर कोड को लेंगे और रिंग के ऊपर से घुमाएंगे पहली बार और दूसरी बार। ये देखिए, पहली बार घुमाया हमने और फिर से दूसरी बार घुमाया, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। ऐसे करते हुए हर एक कोड को 2 बार घुमाएंगे, तब जाकर जो है ये कोड इस रिंग में अटैच हो पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है जो सभी कोड को अटैच कर दिया है, और आप जो है गेप देख सकते हैं, हर एक कोड के बीच में जो गेप है उसमें एक गेप में एक ही कोड अटैच होंगी, टोटल 18 कोड अटैच होंगी इसमें। 1 मीटर की इनकी साइज़ रहेंगे, तो टोटल 18 कोड्स 1 मीटर की वन गेप में 1 कोड अटैच होंगी। तो देखिए, जैसे हम अटैच करेंगे इसे दोनों ही साइड से एक एक बार और निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि जो गेप है वो भी अच्छी तरीके से इसमें फील हो जाए, इसलिए हम इसे दोनों साइड से एक एक बार और निकालते हैं। तो अब देखिए, अब हम लेंगे 2 कोड, 2 कोड में अटैच करेंगे हम रेड कलर के काटा बीट्स को। तो दो दो कोड सभी में बस ऐसे कंटिन्यूसली लेते जाएंगे, और दो दो काटा बीट्स जो है, टू टू काटा बीट्स व अटैच ऐसे करते जाएंगे। और जैसे हम सभी में दो दो काटा बीट्स, दो दो कोड में अटैच करते जाएंगे, उसके बाद फिर हम अटैच करेंगे इसमें रिंग को। तो यहाँ पर जो है हम रिंग लेंगे 7 इंच की, सेकेंड वाली रिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली हमने पहले अटैच कर दी, फिर भी रेड कलर के बीट्स, फिर उसके बाद सेकेंड वाली फिर से वही साइज़ की 7 इंच की राउंड शेप की एक रिंग को अटैच कर देंगे। और इसे अटैच करने का तरीका भी सेम वही है जैसे हमने पहले करा था, एक कोड को लेते जाएंगे और जो रिंग है उसके ऊपर से हम दो दो बार जो है इसमें से घुमाते जाएंगे। तो बस तब जाकर जो है सभी कोड इस रिंग में अटैच हो जाएंगे, साथ में बीट्स में अटैच हो जाएंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर लेंगे फिर से एक 10 इंच की राउंड शेप की एक रिंग लेंगे, और इससे हमको जिस तरीके से अटैच करेंगे, ये देखिए एक कोड में इतना गेप रखेंगे, और इतना गेप रखते हुए फिर उसे 2 बार घुमा लेंगे रिंग के ऊपर से, ताकि कोड जो है वो रिंग में अटैच हो जाए। तो देखिए, ये कोड हमारी अटैच हो गई। अब जो है हम कोड छोड़ देंगे यहाँ पर आगे की,
ये देखिए पूरी जो 10 कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 कोड जो है हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो 11वीं कोड रहेंगे मतलब 11th वाली कोड रहेंगे उसको हम लेंगे और उसे कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो बस हमको ऐसे ही जो है 10 10 कोड जो है छोड़ते जाना है, जैसे ही कोड अटैच करी उसके आगे की 10 कोड छोड़ देंगे, फिर उसके बाद वाली कोड को अटैच करेंगे, फिर आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, फिर 10 कोड छोड़ेंगे, फिर आगे की जो कोड रहेंगे उससे अटैच करेंगे। तो ऐसे करते हुए हमको जो इसमें कोड को अटैच कर देना है। अब देखिए अब हम अटैच करेंगे मटका बीट्स को, काटा बीट्स नहीं, मटका बीट्स अटैच करेंगे हम, और टोटल जो है 6 येलो 6 ब्लू और 6 ऑरेंज कलर के बीट्स अटैच होंगे इसमें, 6 पीले 6 नीले और 6 ऑरेंज कलर के बीट्स अटैच होंगे। तो पहले हमने अटैच करे हैं पीले कलर के बीट्स, येलो कलर के, एंड देन ब्लू कलर, नीले कलर के, और फिर इसके बाद अटैच करेंगे हम ऑरेंज कलर के मटका बीट्स को। यह अटैच कर दिया। अब हम जो है रिंग के ऊपर से ये कोड को घुमाएंगे पहली बार और फिर से दोबारा से घुमाएंगे दूसरी बार, ताकि जो ये कोड है वो इसमें अटैच हो जाए, साथ में बीट्स भी अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो देखिए इसमें हम बीट्स इस तरीके से अटैच करेंगे कि एक कोड लेंगे, एक कोड में सभी बीट्स अटैच करेंगे, दूसरी कोड छोड़ देंगे, फिर तीसरी कोड लेंगे, फिर बीट्स फिर से अटैच करेंगे, फिर चौथी कोड छोड़ देंगे, फिर पांचवी कोड लेंगे, फिर छठवी कोड को छोड़ देंगे। ऐसे करते हुए एक एक कोड लेते जाना है, एक एक कोड छोड़ते जाना है और फिर जो रिंग है उसमें अटैच कर देना है ये जो बीट्स वाली कोड है उसको। तो देखिए हमने जो है सभी बीट्स वाली जो कोड है उसे हमने अटैच कर दिया। अब हर एक एक गैप में हम एक्स्ट्रा की 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की हर एक एक गैप में जो कोड को अटैच करेंगे, मतलब जो हमने एक कोड अटैच करी है जस्ट उसके बाद में और एक और कोड अटैच करना है। ऐसे करते हुए हर एक एक जो बीट्स वाली जो कोड हमने अटैच करी है उसके हर एक एक बाद हमको एक्स्ट्रा की एक एक कोड अटैच करना है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की साइज रहेंगी। तो देखिए जो हमने बीट्स अटैच करे थे उसकी एक कोड और जो अभी हमने एक्स्ट्रा की कोड अटैच करी सेंटर में उसकी कोड, तो इससे देखिए टोटल 4 कोड हो जाएंगे, एक सेंटर की एक्स्ट्रा की कोड है और पाँचों की कोड ले लेंगे जो हमने बीट्स अटैच करे उसकी कोड, और 4 कोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम फिर वही सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे और फिर दोनों ही साइड में नोट बनाकर आपस में से ज्वाइन कर देंगे, मतलब जो पाइपिंग की नोड रहती है उसे ही हम बना देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर सेंटर में भी एक नोड ऐसे बना देंगे ताकि वो दोनों ही साइड जो है आपस में ज्वाइन हो जाए।
तो देखिए मैं आपको फिर से तरीका बता देती हूँ। जैसे ये 4 कोड है, उसमें सेंटर की 2 कोड में हमने पहले बीट्स को रखा ब्लू कलर के बीट्स को। अब हम बनाएंगे सिंपल बेसिक नोट। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की तरफ से निकालेंगे। ऐसा 2 बार हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है ये देखिए 2 कोड लेंगे राइट हैंड साइड की और ये 2 बार घुमा देंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम करते हुए घुमा देंगे। अब ऊपर की जो ये 2 कोड रहेंगे उसको हम 2 बार ऐसे करते हुए घुमा देंगे। तो जैसे पाइपिंग के नोट बनती है बस वैसे हमें ऐसे घुमाना है। और ये हमने घुमा दिया, अब इसे हम कट करके लाइटर के हेल्प से पीछे की तरफ स्टिक कर देंगे। तो हमको जो है सभी जो पूरा जो राउंड रहेगा उसमें सेम यही डिज़ाइन को बनाते जाना है और ऐसे करते हुए कोड को कट करते हुए स्टिक करते जाना है। तो देखिए कट करने के बाद फिर इसे जो है राइट एंगल से पीछे की तरफ हम स्टिक कर देंगे। अब हम पूरे ही राउंड में सेम टू सेम यही डिज़ाइन को बना देंगे। एक्स्ट्रा ही कोड जो हमने अटैच करी उसके हेल्प से और जो ये बीट्स वाली जो कोड है उसकी हेल्प से जो है हम पूरे ही राउंड में सेम ये डिज़ाइन को बना देंगे। इसे नीचे की तरफ नहीं करना है, इसे ऊपर की तरफ इसे खड़ा करते हुए रखना है। अब जो नीचे की तरफ आप सभी कोड देख रहे हैं इसे भी हम कट करके इनमें बेल्स को अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम कलरफुल बेल्स लेंगे, एक ऐसे राउंड शेप वाले बेल्स आते हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में से कट कर दे जाएंगे। पहले सबसे छोटी साइज़, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी करते हुए लास्ट रहेंगे सबसे बड़ी साइज जो है इसकी लास्ट वाली रहेंगे, मतलब बड़ी साइज रहेंगी उसकी। और फिर उसमें बेल्स को अटैच करेंगे। तो देखिए 1 कोड हमने ली है, फिर से कट करा, फिर बेल्स अटैच करे और फिर लाइटर के हेल्प से वही की वही हमने स्टिक कर दिया। अब हम फिर से दोबारा सेम वैसे ही करते हुए 1 और कोड लेंगे, थोड़ा इससे बड़ा कट करेंगे और फिर इसमें बेल्स को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने सभी बेल्स को नीचे की तरफ ऐसे कलरफुल बेल्स जो है वो हमने अटैच करे हुए, साथ में ऊपर जो हमने ये नोट्स की हेल्प से डिज़ाइन को बनाया है थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सेंटर में जो ये राउंड शेप जो है वो दिया है और हमने जो अटैच करे हैं मटका बीट्स, कलरफुल मटका बीट्स हमने इसमें अटैच करे और रेड कलर के काटा बीट्स हमने इसमें ज़्यादा यूज़ करे। तो देखिए इसे जो है आप ऐसे नॉर्मली बिना लाइट के भी घर को डेकोरेट करने के लिए ये झूमर को बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें लाइटिंग झूमर भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये जो है हमारे पास कलरफुल लाइट जो है ऐसी इसमें जलती जाती है, कभी रेड, कभी पिंक, कभी ब्लू, येलो, वाइट करते हुए जो है ये लाइट अपने आप ऐसे जलते जाती है। तो इसे आप ज़रूर इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे सेंटर में जो है बीच में इसे वायर को अटैच करना पड़ता है और लाइट को इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मतलब जहाँ पर मेकरम का हमने जो फर्स्ट वाला पार्ट बनाया था वहाँ पर हम इसे लाइट को इसे अटैच करते हैं और वायर को जो है आप जहाँ झूमर अटैच करें वहीं के वहीं वायर को भी अटैच कर देना है।
तो ये जो लाइट है वो आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट या फिर आप कहीं करीब जो मार्केट जो है वहाँ पर भी आपको ये लाइट मिल जाएगा। इसके साथ छोटा सा एक रिमोट भी आता है, या फिर आप इसका जो है ऐप डाउनलोड करके भी मोबाइल से इसका एक रिमोट जैसा जो है आप इसमें कलर लाइट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ये जो लाइट है वो जैसे मटका बीट से काटा बीट्स पे जो है पड़ता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन देते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, कलरफुल लगता है झूमर। तो देखिए आप इसे जरूर ट्राई करें, इसे ज़रूर बनाइए। और अभी दिवाली भी आने वाली है, इसे और भी स्पेशल और ख़ास बनाने के लिए आप इस मेकरम के दिवाली लाइटिंग झूमर को ज़रूर बनाइए, इसे ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर को डेकोरेट करिए। या फिर इसे नॉर्मली ऐसे भी बनाकर बिना लाइट के भी आप इससे अटैच कर सकते अपने घर पर। और साथ में आप जैसे हमको क्वेश्चन आता है कि क्या इस लाइट अटैच करने से मेकरम ख़राब तो नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। हम खुद हमारे घर पे भी यूज़ कर रहे हैं और ना ही मेकरम ना ही बीट्स पे कोई असर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है लाइट का, क्योंकि ये ज़्यादा जो है इतना इफेक्ट इतनी तेज नहीं रहती है कि मेकरम को ज़्यादा मेकरम स्ट्रॉन्ग भी आता है, मतलब उसकी रस्सी अच्छी रहती है और इससे बिल्कुल भी इसमें कोई असर नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसमें लाइट जो है वो बिल्कुल जला भी सकते हैं इसमें कुछ इस तरीके से, तो ज़रूर ट्राई करिए इस मेकरम दिवाली झूमर को। साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ में हमारे चैनल मेकरम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।